नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे, ऐसे पेड़ के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अजीब लगता है देखने में। साथ साथ दोस्तों इसमें इतने सारे कांटे लगे होते हैं कि आप इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे तो हाथ में चुभने का डर होता है। दोस्तों जितना यह विचित्र देखने में है उतना ही औषधि गुणों से यह भरपूर होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे इसमें विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक गुण होते हैं जो कि इंसान के शरीर से बहुत सारे बीमारी को यह दूर करता है, बहुत असाध्य से असाध्य रोगों को यह दूर करने में सक्षम है। बहुत सारे इसमें औषधि गुण विद्यमान होते हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद है। चलिए दोस्तों इसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों प्रकृति ने बहुत सारे ऐसे अनमोल खजाने दिए हैं हम लोग को जो कि हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे औषधीय रोगों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों उसी प्रकृति के खजाने में से एक ये पौधा जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, उसी में से एक पौधा है जो कि हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों आप लोग पहचान ही गए होंगे और जानते भी होंगे, दोस्तों इसका नाम है नागफनी। जी हाँ दोस्तों, नागफनी के नाम से जाने जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप एक से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मेरे सारे वीडियो, बताए गए वीडियो आप देख सकें। दोस्तों और एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये आपके एक लाइक करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, बस मेरा मोटिवेशन अप होता है, मनोबल बढ़ता है, जिसके वजह से हम ऐसे ही जड़ी बूटी आपके लिए खोज खोज के लाते हैं और अपने सरल से भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस पौधे की खासियत है कि इसके में कांटे भरे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए कांटे लगे हुए हैं और इसको छू नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत चुभता है। और साथ साथ दोस्तों यह ज़मीन से 3 से 4 फीट तक हाइट का होता है जो कि आप देख रहे हैं वीडियो में। यह ज़्यादातर जंगलों में या पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन दोस्तों इसको तो लोग अपने गार्डन में भी, गमले में भी या खेत के मेड़ पे भी लगाते हैं ताकि इसके अंदर से जानवर ना जा सके। साथ साथ ये विचित्र देखने में लगते हैं तो इसलिए लोग दोस्तों गार्डन में भी इसको लगाते हैं, गमले में भी लगा कर रखते हैं। इसके कई सारे प्रजाति होते हैं, बहुत तरह के होते हैं दोस्तों, ये उसी प्रजाति में से ये प्रजाति है। कई तरह के डिजाइन का होते हैं, बहुत तरह से होते हैं। तो इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं इसके पत्ते का आकार नाक के फन की तरह होता है, शायद इसीलिए इसे नागफनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें अलग अलग तरह के फूल भी लगते हैं जो इस पौधे में, अभी तो फूल नहीं है जो आप दिखा सकें लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूं दिखाने का। इसमें फूल भी लगते हैं, फूल के बाद दोस्तों इसमें फल भी लगता है जो कि गोल अंडाकार लाल कलर का होता है, पीले कलर का भी होता है, कई तरह के फल होते हैं, फूल होते हैं। तो फल कच्चे में या हरे रंग के होते हैं और पकने के बाद या लाल या पीला, कई कलर के होते हैं। दोस्तों इसको हिंदी में नागफनी भी बोला जाता है और दोस्तों इसको अंग्रेजी में पिम्फ्लियर कहा जाता है। दोस्तों नागफनी ज़्यादातर आपको शुष्क प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों आयुर्वेद के मत के अनुसार नागफनी स्वाद में मधुर, कफ पित्त हृदय के लिए हितकारी, रक्त शोधक, रक्त विकार दूर करने वाला होता है। दोस्तों नागफनी भले ही कांटों से भरा होता है लेकिन इंसान के जो लाइफ में जो बीमार रूपी जो कांटे हैं उसको भी यह दूर करता है, बहुत अच्छा औषधि है। यह श्वास और कफ खांसी को दूर करता है। इसके साथ साथ दोस्तों खून की कमी है उसको भी यह दूर करता है, खून भी बढ़ाता है। कमर दर्द, घुटनों का दर्द या मांसपेशी का दर्द को भी यह दूर करता है, चाहे गठिया की शिकायत हो या घुटने का दर्द हो उसको भी यह सही करता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है, बहुत ही अलौकिक और दिव्य औषधि है। तो यह पेट के लिए बहुत अच्छी औषधि माना जाता है, जैसे पेट में कब्ज की समस्या हो, गैस की समस्या हो, या पेट में सूजन हो गया हो, या दर्द हो रहा हो, पेट से लेकर कोई भी समस्या हो उसके लिए यह रामबाण का काम करता है, बहुत अच्छा औषधि है। ये आपको क्या करना होगा, इसके फल
जी हाँ दोस्तों, पकने के बाद इसका फल का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको पेट से लेके कोई भी समस्या हो वह सही होता है। आप डेली 1 से 2 फल खाएं। इस तरह से अगर आप कंटिन्यू 2-4 दिन खाते हैं तो आपकी पेट की लेके कोई भी समस्या हो यह दूर करता है। तो अगर आपको ताज़ा नहीं मिलता है तो आप इसके फल को ले आएँ और उसको सुखा करके और उसका चूर्ण बना कर का उसका सेवन करें। जी हाँ दोस्तों, और अगर नहीं ऐसे होता है तो आप पंसारी की दुकान पे भी आपको यह मिल जाएगा इसका चूर्ण, तो आप उसको भी लेकर के सेवन कर सकते हैं। से आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है, आपका शरीर तंदुरुस्त रखता है और डाइजेस्ट जो प्रॉब्लम आता है उसको यह सही करता है। दोस्तों यह आँखों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। तो इसके नागफनी के जो ये देख रहे हैं इसके गुदे को निकालें और आँख के चारों ओर लेप लगाएं। अगर आप इस तरह से लेप लगाते हैं तो आँखों में जो समस्या कोई भी तरह का हो, जैसे लालीपन का हो या आँख में दर्द हो रहा हो या सूजन हो या किसी तरह की प्रॉब्लम हो, उसको यह दूर करता है। तो इसके फल का अगर सेवन आप रोज़ाना करते हैं, इसका फल पका हुआ फल का शरबत बना के पी सकते हैं, तो दोस्तों उससे आपकी खून की जो कमी है उसको यह पूरा करता है, रक्त विकार को दूर करता है, आपके शरीर में जो भी फोड़े फुंसी की समस्या है उसको भी यह दूर करता है। दोस्तों जिस लोगों को श्वास और खांसी की समस्या है उसके लिए भी बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। इसके लिए दोस्तों नागफनी के जो फल होते हैं ना उसके ऊपरी छाल को आपको लेना है और सुखा करके पाउडर बना लेना है, और उस पाउडर को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी खांसी सही हो जाते हैं, चाहे काली खांसी हो चाहे किसी प्रकार का खांसी हो उसको यह दूर करता है, सही करता है। इसके साथ साथ दोस्तों श्वास रोग में भी बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों श्वास और दमा रोग में इसका एक और प्रयोग है। दोस्तों इसके ताजे फल का 10 ml के बराबर इसका रस निकालें और रस निकालने के बाद इससे दुगुना शहद मिला दें, मिला करके के बाद दोस्तों इसमें 350 ग्राम टंकन मिलाएं। जी हाँ दोस्तों, टंकन मिला करके दोस्तों तीनों को अच्छी तरह से मिला करके इसका सेवन करने से आपकी जो श्वास रोग है उसको यह सही करता है। दोस्तों अगर शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो इसके जो पत्ते होते हैं इसको सुखा करके कूट पीस करके और इसका चूर्ण बना लें, और इसके बाद जहाँ पे दर्द होता है आप वहाँ पे इसका लेप लगाएं हल्का पानी मिला करके, तो आपकी जो दर्द है उसको यह सही करता है। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर त्वचा रोग की समस्या हो जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस या त्वचा रोग समस्त रोग को यह नष्ट करता है, त्वचा रोग किसी भी प्रकार का हो, तो इसके पत्ते को पीस करके और जहाँ पे भी दाद, खाज, खुजली की समस्या हो वहाँ लगाने से भी दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस या किसी भी प्रकार का त्वचा रोग हो उस पर लगाने के बाद यह सही हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर किसी को घाव हो गया है, जो पुराना से पुराना घाव हो या किसी धारदार से कट गया हो, तो दोस्तों इसके पत्ते को पीस करके आप घाव पे लगाने से घाव जल्दी भर जाता है, साथ साथ दर्द भी कम हो जाता है, सूजन है तो सूजन को भी यह कम करता है। तो अगर गठिया के वजह से या शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, चाहे कमर दर्द हो, घुटने का दर्द हो या मांसपेशी का दर्द हो, तो दोस्तों इसके ये जो नागफनी देख रहे हैं इसको ले आइए और इसको पीस करके उस जगह पे लगाने से आपको दर्द से आराम मिलता है, चाहे किसी भी प्रकार का यह दर्द हो, चाहे घुटने का दर्द हो, कोहनी का दर्द हो या गर्दन का दर्द हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो तो आपको लगाते ही आराम मिलेगा। दोस्तों आज हमने बताया नागफनी के कुछ फ़ायदे के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है जिसकी वजह से आपके लिए वीडियो बनाने का मन करने लगता है। दोस्तों इसी तरह हम वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।